रिश्तेदार निकम्मा कहते थे, तब ठेस पहुंची थी मेरे माँ बाप के सम्मान को, पर अब नहीं। अब चलना है जमीन पर छूना है आसमान को। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज। यार रोहित, तुम इस गांव के जमींदार के बेटे हो और पढ़े लिखे भी हो, तो तुम शहर क्यों नहीं जाते? हमारा शहर जाके रहना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जहाँ पैदा हुआ उस जन्मभूमि को नहीं छोड़ सकता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनी कि नहीं? यार जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, पता नहीं वो भी मुझसे प्यार करती है कि नहीं। अरे तो देर किस चीज की है, अपने दिल की बात उसको बोल दो ना, तभी तो पता चलेगा कि वो तुमसे प्यार करती है कि नहीं। यार सही टाइम आने पे मैं उसे बोल दूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। देखे रहना, ऐसा ना हो कि प्रपोज करने में लेट हो जाए। बात तो तेरी सही है, चल ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ रोहित। बाय बाय। क्या बात है बहन, यहाँ खेतों में कुछ कहना है क्या? हाँ भैया, वो मैं कह रही थी कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है और उसके लिए मुझे शहर जाना होगा। लेकिन बहन, शहर जाने में और वहाँ पढ़ाई करने में तो बहुत खर्चा हो जाएगा। हाँ भैया। चल ठीक है, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। अच्छा ठीक है भैया, मैं घर जा रही हूँ, आप भी टाइम से आ जाना। ठीक है। रोहित भाई, वो पास वाले गांव का जमींदार मेरे पैसे खाकर बैठ गया है और देने का नाम तक नहीं ले रहा है। मैंने उसको कॉल किया है, अभी आता ही होगा। ठीक है, आने दो, उसे देखते हैं। ठीक है भाई। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार, ये क्या सुन रहे हैं हम? आप पैसे दे के देने का नाम नहीं ले रहे हैं? ठाकुर साहब, ये दोस्त आपका एक नंबर का पागल है, पागल फोन पर मारने की धमकी दे रहा है। ये पागल है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा दोस्त है, ये इम्पोर्टेंट है। और तुमने इसे फोन पे मारने की धमकी दी? भाई ये मुझे बहुत अकड़ दिखा रहा था, इसलिए धमकी देनी पड़ी। अब तो तेरे सामने ना, थोक डाल। ठाकुर साहब क्या बोल रहे हो आप, मैं आपका टाइम में सारा पैसा दे दूंगा, मुझे एक मौका दे दो आप। ठीक है, कल शाम तक इनको सारे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है मैं समझ गया। देख शिवा, डर की यही दिक्कत है कि वो कभी भी खत्म हो सकती है, इसलिए अपना रुतबा बनाए रखने के लिए खौफ बहुत जरूरी है। समझ गया भाई, चलें। राम राम छोटे बाबू। राम राम चाचा जी, और बताइए, बहुत परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? रोहित बाबू, एक मदद चाहिए थी। अरे आपके लिए तो हम हमेशा खड़े हैं, बताइए क्या हेल्प चाहिए? क्या बताएं छोटे बाबू, छोटी बहन को पढ़ाई के लिए शहर भेजना था, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो आपका बड़ा एहसान होता। हमारा शहर जा रही है, कब? यही 2-3 दिन में। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं आपके खाते में पैसा ट्रांसफर किए दे रहा हूँ, 20,000 कर दें। लेकिन हमारा को ये ना पता चले ये पैसा मैंने आपको ट्रांसफर किया। ठीक है? ठीक है रोहित बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आराम से जाइएगा।
क्या बात है अमेरा, तुम इतनी सैड क्यों हो? यार मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तू कुछ दिन पहले अपने एक दोस्त के बारे में बता रही थी जो गांव में रहता है, तू उसे अपने बॉयफ्रेंड बना ले और अच्छे खासे पैसे ऐड सकती है। हाँ मेरा, आदित्य बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे भी यही लगता है, मैं कल ही गांव के लिए निकलती हूँ। ठीक है, जल्दी से कॉफी खत्म कर फिर चलते हैं। हमारा क्या यार रोहित, तुमने मुझे इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? बचपन का दोस्त हूँ, इतना तो पहचानता ही हूँ। ये बताओ शहर से कब आई तुम? आज ही मॉर्निंग में आई हूँ। अच्छा ये बताओ, जिस लड़की को तुम लाइक करते थे उसको अपने दिल की बात बोली कि नहीं? सोच तो रहा हूँ बोल दूँ, कहीं वो फिर से मुझे ना छोड़ के चली जाए। हाँ तो देर किस चीज की है, बोल दो ना। आई लव यू। आई लव यू टू। हमारा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। मैं तो कब से तुम्हारे प्रपोजल का वेट कर रही थी लेकिन तुमने बोला ही नहीं। अच्छा चलो बैठ के बात करें। आओ ना। हाँ तेरा नाम मेरे हर साथे सोनी है, लोका वांगू लिखी। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, मुझे रोहित बाबू से बात करके दोनों की शादी कर देनी चाहिए। अगर हमारा की शादी रोहित बाबू से हो गई तो हमारा को जीवन की सारी खुशियां मिलेंगी। लगे जानो वक्त मैनू तू प्यारी ही। आदित भाई तुझे लगता है तेरी गर्लफ्रेंड उस देसी से पैसे ले पाएगी? आशु भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी जितना साथी दिमाग उसका है ना उतना किसी का नहीं हो सकता, हमारा काम जरूर होगा। भाई ये तो है, और वैसे भी हम लोगों को पैसे की जरूरत बहुत है। हाँ सुभाष सही कह रहे हो, हम लोग स्टॉक मार्केट में लॉस कर दिया ना, किसका जवाब नहीं है, उसको रिकवर भी करना है यार। भाई एक बार पैसा हाथ में आने दो फिर देखना तुम कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं हम लोग। हाँ सुभाष बस एक बार हाथ में पैसे आने दो फिर इस शहर को समायरा को दोनों को छोड़कर चले जाएंगे और अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। ये हुई ना बात। हाँ मेरा भाई। क्या बात है, आज मेरी बहन बहुत खुश लग रही है। ऐसी बात नहीं है भैया, मैं हमेशा ही खुश रहती हूँ। हमारा मैं सोच रहा था तुम्हारी शादी रोहित बाबू से करा दे, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हो। लेकिन भैया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे पता है तुम्हारी खुशी किसमें, अपना ध्यान रखो, मैं मालिक वहाँ से होके आता हूँ। आदित भाई आज शाम को क्लब चलते हैं, बहुत दिन से गए नहीं है। चलो ठीक है चलते हैं फिर। हेलो यार तुम लोगों के कहने पर ना मैं इस देसी गवार के पास आई थी पैसे के लिए, बट यहाँ पे मेरे भैया मेरी शादी उस देसी गवार से करवा रहे हैं। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम दोनों गांव आ रहे हैं और हमें अच्छे से निपटना आता देसी गवार लोगों से। ठीक है मैं इंतजार करूंगी। रोहित भाई
इस बार की हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है और गांव के लोग भी खुश हैं। शिवा तुझे पता है मेरे पिताजी इस गांव के मुखिया थे और उनकी आखिरी इच्छा थी कि इस गांव के लोग कभी भी दुखी ना रहें और हमेशा खुश रहें। आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो उनको तुझ पर बहुत गर्व महसूस होता। अरे अमेरा तुम यहाँ और ये दोनों कौन है? अभी पता चल जाएगा हम दोनों कौन है। तुझे क्या लगता है तू अमेरा से शादी करेगा और हम होने देंगे? अमेरा सिर्फ आदित्य से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। अमेरा ये सब क्या हो रहा है? ये सब सच है रोहित, मैं तुमसे नहीं आदित्य से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी। मैंने तुमसे ना सिर्फ पैसों के लिए प्यार किया। बदतमीज, मैंने इस दिन के लिए तेरे सारे सपने पूरे किए कि तू आज मेरी ना कटवा सके। भैया चुप। जिस इंसान के बारे में तू ये सब बोल रही है तुझे पता भी है उसने तेरे लिए क्या क्या किया है? रोहित के बाबूजी ने हमारे पिताजी की बहुत मदद की और रोहित बाबू ने हमारी बहुत मदद की, और जो तू शहर जाके पढ़ लिख रही है ना वो भी रोहित बाबू के पैसों से ही, और तू कह रही है तूने इनसे पैसों के लिए प्यार किया। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बहन कहते हुए। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं शहर जाकर और पैसों के लालच में आकर बहक गई थी। रोहित बाबू अमायरा को उसकी गलती का एहसास हो गया है, हो सके तो इसे माफ कर दीजिए। सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। अमायरा जी क्या आप हमसे शादी करेंगे?